हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं अंडरस्टैंड का मतलब, उसकी प्रोनाउंसिएशन और साथ ही वीडियो के एंड में देखेंगे कि हम अंडरस्टैंड शब्द का सेंटेंस में प्रयोग कैसे कर सकते हैं। अंडरस्टैंड की प्रोनाउंसिएशन है यू एन अन डी ई आर डर एस टी एन डी स्टैंड अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड को हम अंडरस्टूड, अंडरस्टैंडिंग और अंडरस्टैंड्स भी कहते हैं। अंडरस्टैंड का मतलब होता है जानना, स्वीकार करना, समझना या समझ लेना, जान लेना, अनुभव करना, भली भांति जानना, अर्थ समझना। इफ यू अंडरस्टैंड समवन और अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग, यू नो व्हाट दे मीन। यदि आप किसी को समझते हैं या फिर आप ये समझ पाते हैं कि वे क्या कह रहे हैं, तो आप जानते हैं कि उनका क्या मतलब है या उनके कहने का क्या अर्थ है। एक एग्जाम्पल देखें तो शी डजंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, शी डजंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं समझती। अंडरस्टैंड के सिनोनिम्स या समानार्थ शब्द हैं नो जानना, रियलाइज एहसास, कॉम्प्रीहेंड समझ, ग्रास्प समझना, हियर सुनो। वहीं अंडरस्टैंड के विलोम शब्द या एंटोनिम्स हैं मिसअंडरस्टैंड गलत, मिस्टेक गलती, इंटरप्रेट गलत अर्थ लगाना, इग्नोर नज़रअंदाज करना, डोंट नो नहीं पता। आइए अब हम अंडरस्टैंड का सेंटेंस में इस्तेमाल करके देखें। I don't understand. Can you explain that again? I don't understand. Can you explain that again? मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या आप उसे फिर से समझा सकते हैं? I understand that this treatment may not work. I understand that this treatment may not work. मैं समझता हूँ कि यह उपचार शायद काम ना करे। Now I understand why you were crying. Now I understand why you were crying. अब मुझे समझ में आया कि आप क्यों रो रहे थे। I can't even understand it. I can't even understand it. मैं इसे समझ नहीं सकता। अब आपकी बारी। नीचे कमेंट में आप अंडरस्टैंड शब्द का सेंटेंस बनाकर बताएं। Thank you for watching this video. Meet you next time with a new word. Until then, stay happy and keep learning.